चोट लगने के कारण घुटने में सूजन आना बहुत ही आम तकलीफ है, और आजकल हम टू व्हीलर एक्सीडेंट्स के कारण, घर में हाउस होल्ड एक्सीडेंट के कारण और स्पोर्ट्स इंजरी के कारण ये तकलीफ देख रहे हैं। अगर हम चोट लगने से होने वाली तकलीफ की बात करें तो ये आम तौर पे दो तरीके की होती है। पहली, एक आपको चोट लगने का मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, जब आपको एकदम जर के साथ चोट लगा है, आपका एक्सीडेंट हुआ है और घुटने के अंदर सूजन आ गई है। और दूसरा, ये उन केसेस में हो सकता है जब आपको रिकरेंट स्मॉल ट्रॉमा हुआ है, मतलब धीरे धीरे छोटी छोटी चोट लग रही है, जो स्पोर्ट्स इंजरीज या रनर्स इंजरीज जिसको बोलते हैं, कि धीरे धीरे घुटने की चोट बढ़ रही है और आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्पोर्ट्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, या कुछ ऐसा मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं जिसके कारण से छोटी छोटी चोट घुटने में लगती रहती है और वो बढ़ के आपके घुटने को परेशान कर रही है। तो हम इन दोनों ही चीज़ों को आज कवर करेंगे। अगर आपको चोट लगने के कारण घुटने में सूजन आई है तो इसका आम तौर पे तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आपके घुटने में लिगामेंट में इंजरी हो सकती है। घुटने के अंदर चार लिगामेंट होते हैं, जिसको हम एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट ACL, पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट PCL, MCL जिसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, और LCL जिसको लैटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। इन चारों में से कोई भी लिगामेंट में अगर आपको इंजरी होती है तो आपको घुटने में सूजन और दर्द रह सकती है। खास तौर पे इन मरीजों में सूजन के साथ साथ घुटने में लचक भी आती है। तो अगर आपको घुटने में सूजन भी है और घुटने में लचक भी रहती है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि आपको घुटने में लिगामेंट की तकलीफ है। घुटने में लिगामेंट की इंजरी जो सबसे कॉमन हम देखते हैं वो है ACL लिगामेंट इंजरी, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। ये घुटने के आगे की तरफ और घुटने की सेंटर वाला, घुटने का मेन लिगामेंट होता है जिसको हम घुटने की धुरी भी बोल सकते हैं, और अगर वो टूट जाता है और अगर वो फट जाता है तो घुटना घूम सकता है, अनस्टेबल हो सकता है और घुटने में लचक आ सकती है। इस बीमारी को, इस तकलीफ को डायग्नोज करने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको, सबसे अच्छा माध्यम MRI स्कैन है, और छोटी से छोटी जो लिगामेंट में इंजरी होती है वो हम MRI से पकड़ सकते हैं। लिगामेंट इंजरी का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसकी स्टेजिंग के हिसाब से हम गाइड करते हैं। अगर आपको अर्ली स्टेज की इंजरी है या पार्शल इंजरी है तो उसको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से एड्रेस किया जा सकता है, और हम उसमें फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर लिगामेंट में इंजरी ज़्यादा है, जिसको हम कंप्लीट लिगामेंट टेयर बोलते हैं या कंप्लीट लिगामेंट रप्चर बोलते हैं, या फिर एक से ज़्यादा लिगामेंट की इंजरी आ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, जो कि दूरबीन की मदद से की जाती है, वो काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है, और इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स लिगामेंट सर्जरीज को हम संपादित कर सकते हैं और जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। ये करने से आपका दर्द, सूजन और लचक तीनों में हमको आराम मिलता है। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा प्रोसीजर होता है और उसके बाद जो हम रिजल्ट हम आपको दे पा रहे हैं, वो रिजल्ट आपके इंजरी के ड्यूरेशन से सीधे सीधे रिलेटेड होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको चोट लगी है और आपने चोट लगने के कुछ दिनों के अंदर, महीने दो महीने के अंदर में प्रोसीजर करवा लिया है, तो अच्छा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद ये सर्जरी कराने हमारे पास आते हैं, तो उन पेशेंट्स में ऑलरेडी घुटने के अंदर का घिसारा, घुटने के अंदर का डैमेज, कॉन्डल लीजन आना शुरू हो जाता है, और उन मरीजों में कई बार पूरी रिकवरी इस सर्जरी से नहीं आ पाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि अगर आपको लिगामेंट की तकलीफ़ है और लिगामेंट पूरी तरह से फट गया है, तो लिगामेंट सर्जरी कराने में डिले ना करें। लिगामेंट की सर्जरी कभी भी इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है, आप इसको प्लान कर सकते हो, परंतु आपको ये सर्जरी अननेसेसरी लंबे टाइम के लिए डिले नहीं करनी चाहिए।
दूसरा जो सबसे कॉमन कारण होता है चोट लगने के कारण जिसके बाद घुटने के अंदर सूजन आ सकती है वो है गादी की चोट या गादी की इंजरी, जिसको हम मेनिस्कस टेयर भी बोलते हैं। अब गादी क्या होती है? घुटने के अंदर दो गादी होती है जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। आपने देखा होगा आपके टू व्हीलर में या तो कार में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जो गाड़ी में होने वाले शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमारे घुटने में दो गादी होती है, एक अंदर की तरफ जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं और एक बाहर की तरफ जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं। और ये जो गादी होती है आपके घुटने पे होने वाला लोड या घुटने पे पड़ने वाला लोड एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको जो है अपने अंदर समाहित कर लेती है। और अगर गादी में चोट होती है या गादी में किसी तरह की इंजरी होती है तो बॉडी की ये शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और घुटने में दर्द और सूजन आ सकती है। अब गादी की जो इंजरी होती है वो कई तरीके की होती है अपने आप में, वो उसके कई सारे तरह के टीयर पैटर्न्स डिस्क्राइब हैं, उसके ऊपर हमारा एक डिफरेंट वीडियो है और मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देखें और उसको समझें। परंतु समझने की बात ये है कि जो गादी होती है अगर उस गादी में कंप्लीट टेयर है या ग्रेड थ्री टेयर है, अगर आपके एमआरआई में गादी के अंदर ग्रेड थ्री टेयर आ रहा है तो उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो अंदर घुटने के अंदर का डैमेज, दर्द और सूजन धीरे धीरे बढ़ेगा और आपके घुटने में घिसारा बढ़ सकता है। अगर घुटने की गादी में तकलीफ है तो आपको क्या लक्षण आएंगे? आपको घुटने में दर्द और घुटने में सूजन तो आ ही सकती है, परंतु एक स्पेसिफिक कंप्लेन जो इसमें बहुत ही आम हम देखते हैं और बहुत ही कॉमन देखते हैं उसको बोलते हैं हम लॉकिंग। और लॉकिंग की तकलीफ जो है वो घुटने की गादी की तकलीफ के साथ एसोसिएटेड है। अब लॉकिंग का क्या अर्थ होता है? कई बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारा जो घुटना है वो एक पोजीशन में अटक जाता है, उसके बाद ना सीधा होता है और ना मुड़ता है, इसको हम लॉकिंग बोलते हैं या क्लासिकल लॉकिंग बोलते हैं। कई पेशेंट्स इस क्लासिकल लॉकिंग की हिस्ट्री देते हैं, परंतु कई पेशेंट्स ऐसी स्पेसिफिक हिस्ट्री नहीं देते हैं, परंतु ये हिस्ट्री देते हैं कि हम अपने घुटने को जो जिस घुटने में चोट है, जिस घुटने में इंजरी है, उसको पूरा सीधा नहीं कर पा रहे हैं जितना सीधा हम दूसरे घुटने को कर पा रहे हैं। तो ये भी एक तरह की लॉकिंग होती है। इसमें क्या होता है कि आपका घुटना जो है एक पॉइंट पे मुड़ा रहता है और पूरा सीधा नहीं हो पाता है। अब लॉकिंग जो है वो भी बहुत तरीके की होती है। कई बार ये एक एपिसोडिक लॉकिंग होती है, मतलब कभी कभी देखने को मिलती है, और कई बार लॉकिंग हर बार घुटना मोड़ने और सीधा करने पे मिलती है हमको। तो इसी कारण से अगर आपके घुटने में लॉकिंग हो रही है तो ये एक मेनिस्कस इंजरी का द्योतक है और आपको अपने घुटने का एक MRI स्कैन करा के जो है वो देखना चाहिए कि आपकी गादी में कोई इंजरी है कि नहीं। अगर आपके MRI में ग्रेड वन या ग्रेड टू MRI मेनिस्कस इंजरी आ रही है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करेंगे तो ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। इस पे हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसको MRI फीचर्स इन मेनिस्कस इंजरी या तो ग्रेड वन इंजरी या ग्रेड टू इंजरी इन मेनिस्कस इंजरी कहते हैं, और मैं आप सब लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप वो वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो से आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मेनिस्कस इंजरी कब इतनी सिग्निफिकेंट होती है कि उसका प्रोसीजर या उसका आर्थोस्कोपी करनी पड़े। अर्ली मेनिस्कस इंजरी जिसको ग्रेड वन या ग्रेड टू मेनिस्कस इंजरी बोलते हैं उसमें आर्थोस्कोपी या प्रोसीजर की ज़रूरत आमतौर पर नहीं होती है, परंतु सीवियर मेनिस्कस इंजरी जिसको ग्रेड थ्री मेनिस्कस इंजरी बोलते हैं उसमें आर्थोस्कोपिक सर्जरी की ज़रूरत होती है और वो करके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ ट्रॉमेटिक थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज के बारे में। चोट लगने के कारण कई बार ऐसा होता है कि आपके घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज होती है, ऊपर की जो सरफेस होती है, वो सरफेस ही उखड़ जाती है, जिसको हम कॉन्ड्रल इंजरी या तो फिर कार्टिलेज इंजरी बोलते हैं। ये कॉन्ड्रल इंजरी या कार्टिलेज इंजरी भी कई बार घुटने के अंदर सूजन दे सकती है। अब इस तकलीफ में क्या होता है कि
आपके घुटने के अंतर की जो कार्टिलेज है जिसको स्मूथ सतह बोलते हैं, वो सतह उखड़ जाती है। तभी कभी ये सतह थोड़ी उखड़ जाती है, कभी ये खुरदरी हो जाती है, और तब कभी कभी पूरी उखड़ जाती है और घुटने के अंदर एक लूज बॉडी की तरह बन जाती है। तो लूज बॉडी क्या होता है, कई बार हमने आपने देखा होगा कि आपके आंख के अंदर एक कंकर गिर जाता है, और छोटा सा कंकर भी होगा जो बहुत ही 1 या 2 मिलीमीटर का भी होगा तो भी आपके आंखों को कितना ज़्यादा इरिटेट करता है। ठीक उसी तरह अगर इस आपके जो कार्टिलेज है उसका एक छोटा सा पीस उखड़ के आपके घुटने के अंदर एक फ्री लूज बॉडी की तरह घूम रहा है तो वो भी आपके घुटने को उसी तरह से इरिटेट करता है, और जिस तरह से आंख में से पानी आने लग जाता है उसी तरह घुटने में भी पानी बनने लग जाता है और घुटने में सूजन आ जाती है। तो इसको घुटने में इफ्यूजन आना कहते हैं, और ये एक लूज बॉडी का एक आम तौर पे लक्षण होता है। तो चोट लगने के कारण अगर आपके घुटने में किसी भी तरह की लूज बॉडी बन गई है तो उस लूज बॉडी के रेस्पॉन्स में बॉडी एक फ्लूइड या तो पानी सिक्रीट करता है जिसके कारण से आपके घुटने में सूजन आ सकती है। जैसे मैंने बताया पहले की तरह ऐसे केसेस में भी सबसे अच्छा जो आपका डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है वो है MRI, और अगर आप MRI कराएंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घुटने के अंदर से कोई लूज पीस तो नहीं हो गया है, या आपका कार्टिलेज का कोई टुकड़ा खिर तो नहीं गया है। अगर आपके कार्टिलेज के अंदर कोई तकलीफ है और एक लोकलाइज्ड हिस्सा निकल गया है, बाहर आ गया है, तो इसको कई नामों से हम संबोधित करते हैं, जैसे ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट, ऑस्टियोकॉन्ड्रल इंजरी, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस डेसिकेंस, या फिर लूज बॉडी, या फिर आम तौर पे इसको आम भाषा में कॉन्ड्रल इंजरी या कार्टिलेज इंजरी भी कह सकते हैं। अगर आपको सिग्निफिकेंट इस तरह की इंजरी आती है तो भी दूरबीन की पद्धति, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक बोलते हैं या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं, उसके द्वारा आपको बहुत ही अच्छा आराम दिया जा सकता है। इस प्रोसीजर को आर्थ्रोस्कोपिक कॉन्डोप्लास्टी या आर्थ्रोस्कोपिक लूज बॉडी रिमूवल बोलते हैं, और ये एक रामबाण प्रोसीजर है, क्योंकि जैसे ही वो लूज बॉडी को, जैसे ही उस लूज फ्रेगमेंट को हम घुटने के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, आपके अंदर की जो दर्द और सूजन होती है वो निकल जाती है और आपको आराम आ जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो वो डिफेक्ट होता है जहां से वो लूज बॉडी निकल गई है उसको भी हम काफ़ी अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं। तो जो डिफेक्ट हो गया है उसके लिए भी हम कई सारे एडवांस्ड आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसको हम कॉन्ड्रोप्लास्टी, माइक्रोफ्रैक्चर, ओट्स प्रोसीजर और स्टेम सेल प्रोसीजर बोलते हैं। तो वो जो डिफेक्ट हो गया है उस डिफेक्ट को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। तो न सिर्फ हम वो लूज बॉडी को हटा सकते हैं दूरबीन के द्वारा, अपितु हम जो आपके जहाँ डिफेक्ट हो गया, जहाँ से लूज बॉडी निकली है, उस डिफेक्ट को भी हम कई सारी एडवांस्ड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके एड्रेस कर सकते हैं, जिसके बहुत ही अच्छे और बहुत ही आपको कंक्रीट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इसके रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, तो वो आप वीडियो देखें और उस चीज़ को समझें। ये अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन बन गया है, और ये डिसिप्लिन एक ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी या तो फिर सब स्पेशलिटी की तरह काम करता है।